हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक इजी और आसान नुस्खा बताऊंगी। इस नुस्खे से फ्रेंड्स आप अपने चेहरे की झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे चल के एक हमारे चेहरे पर कालेपन का निशान छोड़ जाती है या फिर वो काली हो जाती है, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे चेहरे पर काले धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। अगर हमारे चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं और आप चाहते हैं कि कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसके लिए आपको आज लेना होगा चंदन पाउडर। चंदन पाउडर के अंदर बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि हमारी झाइयों से हमें छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। और झाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे अहम है पोटैटो। फ्रेंड्स, मैंने इसका छिलका उतार लिया, तो आपको भी एक पोटैटो लेना है और उसका यूज करना है। इसका यूज आपको किस तरह से करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। इसके लिए आपको लेना होगा रोज वाटर। रोज वाटर फ्रेंड्स आप जानते हैं चेहरे को गोरा करने का कार्य करता है। अगर फ्रेंड्स हम इसका यूज अपने चेहरे पर कर रहे हैं तो ये हमारे चेहरे के रंग को तेजी से गोरा करने के लिए हमारे चेहरे से झाइयों को भी खत्म कर देगा। तो आपको इन तीनों चीजों का यूज कैसे करना है और कैसे अपने चेहरे से झाइयों को हटाना है, तो इसके लिए आपको लेना होगा एक क्लीन बॉल। इस तरह से आप एक क्लीन बॉल ले लीजिए और सबसे पहले आपको पोटैटो के पीसेस काटने होंगे, यानी कि आपको इसके स्लाइस को काट लेना होगा। आप फ्रेंड्स पहले इसके एक थोड़े बड़े हिस्से को हटा दीजिएगा। इस तरह से आपको इसके स्लाइसों को निकालना होगा। फ्रेंड्स, ये स्लाइस थोड़े मोटे होने चाहिए क्योंकि जब हम इसे अपने चेहरे पर मसाज करने के लिए यूज करेंगे तो ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ही अच्छे मसाज का कारण बन सकती हैं। अगर आपके चेहरे पर झाइयां ज्यादा है तो आप इसका यूज जरूर कीजिएगा। इसके यूज करने के लिए आपको फ्रेंड्स पोटैटो का एक पीसीस को काटकर इसके अंदर बहुत सारे छिद्र बना लेने होंगे, यानी कि छेद कर लेने होंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स पोटैटो के अंदर का जो रस होता है वो हमारी झाइयों पर आसानी से लग जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें कट लगाने के बाद आपको इसका यूज करना है। इसे बनाने के लिए आपको आधे चम्मच के लगभग चंदन पाउडर को लेना होगा, क्योंकि इतना पाउडर हमारी झाइयों के लिए काफी होगा। इसके बाद आपको लेना होगा रोज वाटर। रोज वाटर फ्रेंड्स आपको इतना इसमें ऐड करना है कि ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसका एक सॉफ्ट और मुलायम पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पेस्ट को इसके ऊपर डालना होगा जिस पर आपने कट लगाए हैं। इस तरह से आप इसके ऊपर इसे लगा लीजिए और अपनी झाइयों वाली जगह पर इस तरह से उसकी मसाज कीजिएगा। जब फ्रेंड्स आप इसे अपनी झाइये वाली जगह पर मसाज कर रहे होंगे तो आप दोबारा से आलू के अंदर अच्छे से कट लगा लीजिएगा। कट लगाने के बाद फ्रेंड्स आप इसे दबाइए और फिर दोबारा से अपनी झाइये वाली जगह पर इसकी मसाज कीजिएगा। आपको इस मसाज को अपने चेहरे पर पूरे पे नहीं करना है। अगर आप अपने चेहरे के रंग को गोरा बनाना चाहते हैं तो पूरे चेहरे पर भी यूज कर सकती हैं, या फिर आप सिर्फ इसे झाइये वाली जगह पर भी यूज कीजिएगा। आप इसकी मसाज कीजिए। आपको इस मसाज को 5 मिनट तक करना है। जब 5 मिनट की मसाज पूरी हो जाएगी तो आपको इस आलू के टुकड़े को रख देना है और दूसरा टुकड़ा आपको यूज करना है। इसमें भी फ्रेंड्स आपको इसी तरह से कट लगाने हैं। जब फ्रेंड्स आप इसमें अच्छे से कट लगा चुके होंगे तो आप इसके ऊपर इस पेस्ट को इस तरह से लगा लीजिएगा। और लगाने के बाद फ्रेंड्स आप इसको
अपनी झाइयों वाली जगह पर इस तरह से लगाकर छोड़ दीजिएगा। आपको इसे अपनी झाइयों वाली जगह पर 10 मिनट तक लगाकर रखना होगा। बीच बीच में आप आलू को हल्के हाथों से दबाते रहिएगा ताकि इसके अंदर का जो रस है वो झाइयों में चला जाए और आपकी झाइयों को हमेशा के लिए आपके फेस से हटाकर आपके चेहरे को गोरा और सुंदर बना दे। तो आप इसका यूज कीजिए और अपने चेहरे को झाइयों से मुक्ति दिलाइए। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।